हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी टाटा पे, उस पर इतना सारा जो आप लोगों ने प्यार दिया, मैंने उस वीडियो में बेसिकली कई सारे काम बताए थे जो कि आप 10th और 12th के बाद टाटा में कर सकते हो। तो लोगों को वीडियो काफी पसंद आया, 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा उस वीडियो को, और कई लोगों ने उसी पर कमेंट किया कि भाई आपने जो भी बताया सारी चीजें ठीक है, बट आपने उसमें जो ऑफिस बॉय के बारे में बताया था कि आप मिनिमम अगर 10th और 12th पास हो तो आप आराम से टाटा में ऑफिस बॉय का काम कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, आराम से आपको मिल जाता है टाटा में। इस आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और फैसिलिटीज भी कई सारी मिलती हैं आपको टाटा में, ठीक है। तो कई लोग कह रहे थे इसके बाद डिटेल में चीजें बताओ कि अगर हमको टाटा में अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमको जॉब आसानी से मिल जाएगा, इस पे हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं इस काम को करने के लिए दो चार चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी जो मैं आपको बता देता हूं, वो सारी आपके पास क्वालिटीज रहेंगी तो आप आराम से ऑफिस वर्क का काम कर सकते हो टाटा में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें और भी कई सारे काम बताए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बाद के वो भी देख लेना, उसमें और भी जॉब आप कर सकते हो 10th और 12th के बाद टाटा में। तो अभी ऑफिस बॉय के बारे में सुन लो। देखो, ऑफिस बॉय के लिए पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि टाटा में लगता है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका जो होता है वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करना है, क्योंकि स्टाफ जो होते हैं, जो अच्छे मैनेजर पोस्ट पे होते हैं, अधिकतर जो स्टाफ लोग होते हैं उनके साथ में आप लोगों को काफी सारे छोटे मोटे काम पड़ते हैं, जैसे कि फोन कॉल अटेंड करना, आपको टी सर्व करना, एज अ वाटर सर्व करना, टेबल, और भी कई सारे छोटे मोटे काम आपको पड़ते हैं ऑफिस बॉय में, जो कि नॉर्मल ऑफिसर्स के काम होते हैं, ठीक है, तो आपको करने होते हैं। तो बातचीत करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। दूसरा है, आपको हल्का फुल्का अगर इंग्लिश आती हो तो और भी बेटर है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट इंग्लिश अगर आपको आ रही है तो आपके इंप्रेशन के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू में आप यूज कर सकते हो इंग्लिश, क्योंकि काफी अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरी चीज है, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, 12th पास हो तो बेटर है, 10th पास हो तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट 12th पास हो तो आराम से काम कर सकते हो, ठीक है, 10th के बाद में मिल जाता है बट 12th पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। देखो, अप्लाई आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो ऑफलाइन थ्रू, अगर आपका कोई जान पहचान का हो तो कर सकते हो, दूसरा है आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, जैसे एक वेबसाइट है indeed.com करके और एक है LinkedIn करके, दोनों ही बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां से अप्लाई करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी करंट में भी कई सारे काम अवेलेबल है और टाटा का ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि ज्वाइन टाटा करके है, वो वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये थी, और सैलरी आपको बता दूं, सैलरी जो मिलती है और ऑफिस बॉय की वो लगभग 12,000 से लेकर के 16,000 के बीच में मिल जाती है ऑफिस बॉय का, जो कि डे शिफ्ट फुल टाइम होता है। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट।